मेरा 49 ब्लॉग। तो अभी ब्लॉग को शुरू करते हैं और अभी मैं ट्यूशन पढ़ कर आ गया हूँ और बस शॉर्ट बना वा लिया था बस, और नाश्ता वास्ता भी करा नहीं है। देखते हैं नाश्ते में क्या है और आपको दिखा। तो गाइस आज शिमला मिर्च आलू बने थे तो मैंने उसका आलू गर्म करे और बंद में रखे सैंडविच बनाया और उसे खा लिया। फिर मैं असल में ऐसे पड़ोस में गया था, बोर हो रहा था बैठा हुआ, तो मैंने कहा लाओ अपने इसके अंदर छेद कर लेते हैं, छेद करे बैठ के। तो गाइस उनके अंदर तो छेद कर लिए थे, फिर असल में मिट्टी का हुआ तब उनके मिट्टी इतनी दुकान मत ले जाओ, टेम्परेचर 44 कुछ हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं ला दूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ चीज़ बीज लेने, सामने चीज़ बीज लाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना गाइस। A few moments later. तो गाइस अभी मैं निकला हूँ गेस्ट हाउस जाने के लिए, बाइक थी नहीं तो पैदल निकला हूँ। इतने में ताबू कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्हें कुछ काम था वो आ रहे हैं, उनके साथ चलेंगे गेस्ट हाउस। तो गाइस ताबू आ गए थे, ताबू ने मुझे गेस्ट हाउस छोड़ दिया और गेस्ट हाउस से आते वक्त मैंने अपने ईद के लिए मतलब बकरा ईद के लिए कपड़े लिए और अभी ये कुछ कपड़े लिए थे मैंने, अच्छी दुकान है अजंटी पर है संभल में। और फिर घर आ गए, मैंने खाने में खाया चिकन की ताइदी और फिर हो गया नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं असल में सुबह उठ के मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, उठा था वर्क करा था और बस फिर एक घंटा था तो एक कप चाय पी बस। और अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन और आज है जुम्मा, ट्यूशन से आके और एक तरीके से मेरे ख्याल से मैं नमाज़ के बाद में कहूँगा क्योंकि ट्यूशन है मेरा 12 बजे का, 12 बजे होगी छुट्टी, तो 12:30 तक घर पाऊँगा और फिर मैं लगभग 1 बजे से नमाज है तो जल्दी जल्दी में मैं मुश्किल है कि आपसे मिलूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट जुम्मे की नमाज़ के बाद मिलूँ, ठीक है ना गाइस, जब तक के लिए बाय। तो गाइस जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली थी, खाने में दाल चावल बने थे खा लिए और फिर मैं गया था नन्नी बाजी की तरह मतलब एक जगह मिट्टी भरने गया था, मिट्टी भरी और आ गए। अभी मैं और दानियल वहाँ की मिट्टी ख़राब थी तो मैं दानियल खेतों की साइड आए थे, यहाँ से ही मिट्टी भरी है ये रही। और अभी चलते हैं घर पे, घर जाके मिलते हैं आपसे कभी कोई खेत वाला आया हमारे हमें। तो गाइस जो मैं मिट्टी लेकर आया था खेत पे से वो मैं मिट्टी भर रहा था गमलों में एक एक करके और बाकी की क्लिप आप देखो आगे। तो गाइस अभी मैं पानी इसमें डाल रहा हूं पेड़ों पर ना, जिससे ये इनकी मिट्टी थोड़ी सी नीचे हो जाए मतलब नम हो जाए और हम इसके अंदर अपने बीज लगा पाए। और एक और चीज़ दिखाने की रुको, वायरल दिखाते ये देखो, इधर आओ इधर गाइस इधर आओ, ये वाली नाली जो थी ना ये दिखाओ, इधर आके दिखाओ, ये जो कि ये मैंने पैक कर दी है, ये जो है ये टाइल्स दिखाओ, इसके ऊपर मैं एक एक करके इनको ऊपर गमले रखूँगा, ये 6 लगाए हैं एक ग्रीन और लगाऊंगा, 2 गमले हमारे पास पहले से हैं ये दोनों, तो अभी हम पहले ये और कुछ लगाते हैं फिर जब इनको लगाएंगे बीज को तो आपको दिखाएंगे, ठीक है ना भाई। ये बम चलाने से पहले वीडियो बताने के भाई लेकिन तू बताने का वो सकते बोले सकता और ये हम कुछ नहीं बोल रहा है क्या है ये बोलता है मेरा नहीं मेरा कमरा बनाने ये रहने और हमारे पास मोदी वाली की गाइस वो थोड़ा नॉलेज है तू जाने के लिए सब लाइन पूरा ना पास में तो लाइन अभी इधर जाने के लिए बढ़िया वाले ये वाला ये वाला भाई मैं लोग आ रहा हूँ तो उसे भी आ जाएगा, मेरे पॉइंट में बहुत ज़्यादा कोई कौन लोग आ रहा है, तो उसके लिए भाई अब भाई मैं किस वाले के अंदर सब आ जाएगा, आइस नान के बीच कोई बोल रहे हैं
मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ और ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो गाइस फिर मैं अपनी बहन के कपड़े लेने आया था जारा के घर पे। जारा क्या लेकर आई हो मेरे लिए? पानी लेकर आई हो? हाँ। कैसी बोतल थी? मैंगो कलर की। मैंगो कलर की बोतल थी। तो गाइस फिर यहाँ पे फैज, फराज, अरहम, अयान, समी, नवाजी, फरीद भाई आ गए और फिर पहले थोड़ी देर घर पे बैठे, फिर हम जा रहे थे पे घर पे, फिर यहाँ पे सब बच्चे गेमिंग रूम में बैठे हुए थे, फराज ये सब, और फिर खाना वाना लग गया, खाना खाया, फिर चले गए ग्रुप के यहाँ मिठाई लेने। वीडियो एडिट कर रहा था और मुझे पता चला कि जो मैंने जो असल में घपला हुआ था ना, आपने पहले देखा होगा, पहले देखा होगा व्लॉग में, जो मैंने बीज दो तीन के बीज एक में लगा दिए वो मुझे निकालने पड़ेंगे। देखो इस गमले में, इस वाले में मैंने दो तरीके के लगा दिए हैं और ये मुझे निकालने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। हाँ ज़रूर निकालने पड़ेंगे, इसमें दो तरीके के बीज हैं यार, अभी पता नहीं समझ में यार, हटाओ छोड़ो मैं नहीं निकाल लूँ, इसको लगा रहने दें, अगर आएंगे अलग अलग दो तरीके के तो आने दो, ठीक है ना गाइस। और गाइस ये आ गया हमारा अरमडू, इसके मम्मी पापा कहाँ गए हैं? हज पर गए हैं इसके मम्मी पापा। ये अभी 10 बजे तक चला जाएगा बच्चा। तुम क्यों जाओगे अरम? तुम ऐसा करो अब तो तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है ना? हाँ यार रुक जाओ यार, ये नानी घर पर रुकोगे या फिर चाचू के पास? हमारे घर पे मेरे वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मेरी एक मैंने और टबी भी आ गया इधर, टबी हाय करो। मैंने एक क्या, मैंने अपने बेबलेट ऑर्डर करे। अच्छा इनलिए ये कह रहा है इसने बेबलेट ऑर्डर करे तो वो आएंगे, तो मैं ये से कह रहा हूं तुम टेंशन मत लो, 5 से 10 हज़ार। तो तुम यहां पे सुनो, हम गोल्डी से तुम्हें दिलवा देंगे, बताओ। नहीं भाई इधर रुकना नहीं, इसे जाना अपने घर पे।